ये पहला ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे है जो कि आरजेडी के सपोर्ट में बन रहा है, पहला ये वीडियो है हमारे चैनल पर। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को लग रहा है ना कि एक सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज से खड़ा कर दिए हैं, तो पूरा कुशवाहा समाज हमको वोट कर देगा, इसके वजह से शायद पूरे बिहार में किसी भी कुशवाहा नेता को सीट नहीं दिए हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, हम के राज और आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। बहुत सारे वीडियो अपलोड इस चैनल पे जैसे किए हैं, बहुत सारे कॉल हमको भी आ रहा है और बहुत सारी बातें बताई जा रहा है। आप सभी को बता दें कि आरजेडी के तरफ से 5 सीट दिया गया है पूरे बिहार में कुशवाहा नेता को, और जदयू के तरफ से नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से 3 सीट दिया गया है पूरा बिहार में कुशवाहा नेता को। और बात करें बीजेपी के बारे में तो 0 पॉइंट है। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एक भी सीट पूरा बिहार में नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके नज़र में कोई कुशवाहा लोग ऐसा थे ही नहीं। इनको तो पता है बीजेपी वाले को कि सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिए हैं उसके बाद, और इनको छूट दे दिए हैं बोलने के लिए, तो पूरा कुशवाहा समाज हमको वोट करेगा ही करेगा। इसके वजह से शायद ये किसी को भी सीट नहीं दे। इनको पता है कि कुशवाहा समाज की आबादी 12% है, और सम्राट चौधरी आए तो उसके बाद पूरा बिहार में कुशवाहा समाज को लगा कि सीएम के पद के उम्मीदवार बहुत जल्द कुशवाहा नेता होगा। लेकिन बीजेपी का जो करतूत है वो सामने आ गया और दिखा रहे हैं कि आगे चल के कुशवाहा का क्या हाल होने वाला। आप सभी लोग का सपना था और सभी लोग को चाहत था कि 2024 में कुशवाहा का राज, यानी कि और सभी लोग राज कर चुके हैं तो इस बार कुशवाहा नेता कोई बिहार का सीएम बनेगा, आप सभी लोग सोचे थे। पर इस सोच पर पानी फिर गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ से अब आरजेडी के विधायक कुशवाहा हैं वहाँ के लोग उनको वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके क्षेत्र का बात है। और दूसरी बात है, बारे में बात करें तो अगर सम्राट चौधरी जी को सिर्फ खड़ा करके बीजेपी सोच रही है कि पूरा कुशवाहा समाज हमको वोट देगा, तो ये उनका गलत फहमी है और एक भी सीट नहीं देकर बहुत बड़ा गलती कर दी है। चलिए एक बात और, आप लोग जितने भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप बताइएगा कि क्या आपको अब लगता है कि कुशवाहा समाज का कोई सीएम बनेगा? अगर आप हम सभी लोग भी वोट करते हैं, बीजेपी को ही वोट करते हैं, तो क्या ये गारंटी लिख कर देते हैं कि सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनाएंगे, या फिर डिप्टी सीएम के तौर पे ही सब दिन के लिए रखा जाएगा? और ये सीधा सीधा गेम हुआ है अपने समाज के साथ, कुशवाहा समाज के साथ, कि सीएम पद का जो उम्मीदवार है वो नहीं बनने दिया जाएगा कुशवाहा समाज के किसी भी नेता को। ये बात लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कर रही है उस तरीके से तो शायद कि कुशवाहा समाज का नेता डिप्टी सीएम तक ही रखा जाएंगे और उसके आगे पता नहीं क्या किया जाएगा, और इसमें किसी और का फायदा जरूर होने वाला है। लेकिन अगर अभी से भी अगर देखा जाए तो आप लोग को, अगर कुशवाहा के लिए बहुत कुछ करती बीजेपी तो एक सीट देकर उपेंद्र कुशवाहा को ये बता दिए कि कुशवाहा समाज के सिर्फ वोट के लिए सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया गया है, मोहरा बना दिया गया है, बाद बाकी समाज के लिए क्या किया है बीजेपी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, किसे वोट करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।